आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल जेपी क्रोचेट पर स्वागत है। सबसे पहले मैं अपनी सभी सब्सक्राइबर और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जो भी मेरे चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सभी को ये बनी हैट बनाना बताती हूँ। ये बनी कैप कैसे बनाया जाता है बताती हूँ। यह मैंने बॉय के लिए बनाया है और दो कलर में बनाया, व्हाइट एंड ब्लू। और दूसरा जो मैं बनाऊंगी वो मैं व्हाइट एंड पिंक कलर में बनाऊंगी, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। इस हैट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इस हैट को बनाने के लिए हमें व्हाइट, थोड़ा सा व्हाइट यार्न चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा है, और पिंक कलर का ऊन चाहिए, और दो गुगली आइज चाहिए। इसे हम सबसे लास्ट में ग्लू कर देंगे। बनाने के लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बना लिया, उसके बाद पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच। पांच चेन बना लिया। पांच चेन बना के हम सबसे पहले वाला जो ये चेन है वहां पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये रिंग बन गया। अब इसी रिंग में हमें 10 डबल क्रोचेट बनाने हैं। सबसे पहले हम तीन चेन बनाएंगे। डबल क्रोचेट कैसे बनाया जाता है यह आप मेरे लर्निंग वाले वीडियो में देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ भी बता देती हूँ, डबल क्रोचेट के लिए सबसे पहले एक बार धागा लेंगे, उसके बाद चेन रिंग से निकाल एक लूप निकालेंगे और सबका हाइट सेम कर लेंगे। उसके बाद पहला दो लूप निकाल लेंगे, फिर धागा पे डाल के नेक्स्ट दो, ऐसे ही करके हम टेंशन चेन दो सेम रिंग में बनाना है, तीन चार पांच छः आठ नौ और दस, दस डबल क्रोचेट बना लिए हमने, दस बना लिए। इसको सबसे पहला ये जो चेन हमने बनाया था, 1 2 3 चेन बनाया था, उस 3 चेन के सबसे थर्ड वाले चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में 1 2 3 तीन चेन बनाएंगे और सेम जहाँ पे ये मैंने बनाया है उसी में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। इसमें हमें हर डबल क्रोचेट में, हर इस स्पेस में दो दो डबल क्रोचेट बनाने हैं, दो, फिर नेक्स्ट वाले में दो, एक दो, फिर नेक्स्ट में दो, सब में हमें टू टू डबल क्रोचेट बनाते जाना है। टू
ट्यूटोरियल क्रोचेट बनाते हुए हमें अंत तक आना है। उसके बाद मैं बताती हूँ अंत में कैसे क्या करेंगे। अब यहाँ अंत में यहाँ मैं आ गई। अब देख रहे हो जी, मैं सब में दो 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 करके बनाई हूँ। ये टोटल काउंट में 20 है। आप बिगनर्स हो तो आप काउंट भी कर सकते हो। लास्ट में फिर से हमें स्लिप स्टिच से चेन बनाई थी उसमें जोड़ देंगे। दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। ये लग दूसरा राउंड इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरे राउंड के लिए हो गया। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरे राउंड में सबसे पहले चेन तीन, इस चेन को एक डबल क्रोशेट की तरह मैं काउंट करती हूँ। एक और दूसरा मैं इसी में डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इस राउंड में दो डबल क्रोशेट एक साथ बनाने हैं और नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक, फिर नेक्स्ट में दो, एक और दो, फिर अगले वाले में, अगले स्पेस में, नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक और ये फिर से दो। तो इस में यही इसी पैटर्न के साथ मैं ये पूरा बना के यहाँ तक अंत तक एक में दो बनाएंगे और दो वाले के नेक्स्ट में एक बनाएंगे। दो एक करके हमें यहाँ पे आना है। मेरा तीसरा राउंड पूरा हो गया। यहाँ लास्ट में अब हम इसे लास्ट में स्लिप स्टिच से 1 2 3 चेन जो बनाया था उसमें सबसे ऊपर में थर्ड चेन में स्लिप स्टिच जो ली हुई है। तीसरा राउंड पूरा हो गया। अब राउंड चौथा बनाएंगे। राउंड चार के लिए फिर से वही है 1 2 3। उसके बाद एक चेन और एक दोनों मिला के दो हो गया। अब नेक्स्ट दो स्पेस में 1 और 2, इन दोनों स्पेस में हमें एक एक डबल क्रोचेट बनाने हैं। इस बार राउंड थर्ड में हमने दो डबल क्रोचेट एक फिर दो फिर एक ऐसे बनाया था। इसका पैटर्न है दो डबल क्रोचेट एक साथ बनाएंगे और नेक्स्ट दो में हम एक एक डबल क्रोचेट बनाएंगे फिर दो डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक और ये दूसरा, दो बार हमने एक एक करके बनाया है। अब उसके नेक्स्ट में दो डबल क्रोचेट एक साथ बनाएंगे टू टुगेदर 1 और ये रहा दूसरा, दोनों हम एक साथ बनाए। दो डबल क्रोचेट एक ही चेन स्पेस में बनाया। अब फिर नेक्स्ट दो स्पेस में एक स्पेस दो स्पेस, इन दोनों में एक एक बनाएंगे। दो स्पेस मैंने एक एक बनाया। अब नेक्स्ट में दो डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक और दो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ तो मेरा इंक्रीजिंग राउंड यही हो जाएगा। अगर आप बड़ा बनाओगे तो आप एक राउंड और इंक्रीज कर सकते हो। उन तो एक इंक्रीजिंग राउंड बनाएंगे तो 6 मंथ बेबी के लिए हो जाएगा। मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर मेरा इंक्रीजिंग राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही करते हुए इसी पैटर्न को दोहराते हुए हमें नेक्स्ट तक आ जाना, लास्ट तक आ जाना है। फिर नेक्स्ट में हम 1 और 2
अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। एक ऐसे ही करके पूरा राउंड करके राउंड फोर्थ बनानी है। लास्ट में बताती हूँ, ये मैंने पूरा दो दो फिर से नेक्स्ट में दो दो एक साथ दो अलग अलग करके पूरा पैटर्न बना लिया है। राउंड फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम चेन के सबसे ऊपर में जोड़ लेंगे क्लिप स्टिच से। ये राउंड कंप्लीट हो गया और मेरा इंक्रीजिंग राउंड ख़त्म हो गया। अब मैं इंक्रीज नहीं करूँगी। अगर आपको 6 मंथ के लिए बनाना है तो एक राउंड आप और इंक्रीज कर लीजिएगा। उसमें दो डबल क्रोचेट एक साथ बनाना है और तीन एक 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 करके बनाना है। नेक्स्ट 3 में सिंगल सिंगल डबल क्रोचेट बनाना है। बस वैसे करके एक और राउंड बना लीजिएगा। उसके बाद फिर सब सेम है। यहाँ मेरा इंक्रीजिंग राउंड ख़त्म हो रहा है तो फिर मैं अब आपको राउंड 5th बनाती हूँ। 5वें राउंड में 1 2 3 5वें राउंड में हमें क्या करना है, एक एक करके सब में बनाते जाना है, इंक्रीज नहीं करना है। 1 सब में एक एक डबल क्रोचेट हमें बनाते जाना है। ऐसे ही करके हमें सब में एक 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 करके यहाँ इंड तक करना है। ये हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हो जो कैप का शेप लेना शुरू हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया है। इसमें मैं एक एक लास्ट में इसे जोड़ लेंगे और इसी तरह से हमें बिना कोई इंक्रीज में किए हुए पूरा 1 2 3 तीन और राउंड बनाने हैं। यानी हमें 8 राउंड को टोटल बनाना है। उसमें 1 2 3 4 राउंड इंक्रीजिंग का है और 4 राउंड बिना किसी इंक्रीजिंग के हमें सेम टू सेम उतने ही डबल क्रोचेट के साथ 4 और राउंड बनाने हैं। इसमें मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड मैंने व्हाइट से बनाए हैं। आपको भी व्हाइट से बनाना है। एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए हमें 5 इंची हाइट चाहिए तो 5 इंची हाइट के लिए मैं 4 इंची हाइट तक व्हाइट से बनाऊंगी और लास्ट वाला पिंक कलर से बनाऊंगी। तो जब हम 8 राउंड बनाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 4 इंची हो जाता है। तो आप 4 इंची की हाइट तक बना के फिर मैं आपको बताती हूँ 9वें राउंड में क्या करना है। बैक ये मैंने 8 राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये 4 इंची हो रहा है। अब मैं पिंक कलर के ऊन से बनाऊंगी। 4 इंची बनानी है और राउंड 9 में भी मैंने यहाँ पे धागा जोड़ लिया है। धागा जोड़ लो और 9वां राउंड भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक डबल क्रोचेट बनाने हैं। इसमें हमें इंक्रीज नहीं करना है। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। एक 2 और 3 3 चेन बनाए। अब सब में एक एक डबल क्रोचेट बना लेंगे। एक 2 3 4 ऐसे ही करते हुए हमें सब में एक एक डबल क्रोचेट बनाने हैं।
बनाते हुए एंड तक आना है। मैं फिर से एंड में आपको बताती हूँ क्या करेंगे। यहाँ मैंने एक 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 करके नौवां राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसी से 1 2 3 थर्ड चेन में जोड़ देते, स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। राउंड 10, दसवां राउंड हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट ऐसे तुम से यहाँ पे स्पेस में लेते हैं बन जाए। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट के लिए ये एक डबल क्रोचेट जो है इसको नीचे से यहाँ इसके साइड से हम अपना क्रोशिया ले जाएंगे और दूसरे साइड से निकालेंगे इस डबल क्रोचेट को। उसके बाद यहाँ से धागा ला के फिर से साइड से निकालेंगे, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट कहते हैं। एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट बनाएंगे और एक नेक्स्ट वाले में हम नॉर्मल डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट एक नॉर्मल डबल क्रोचेट बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट के लिए जिसमें हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट बनानी है उसके बैक से लेंगे दूसरे साइड ऐसे करके इस क्रोशिए पे हम वो डबल क्रोचेट डाल लेंगे और उसी तरह से इसके साइड से निकाल लेंगे। यह हो गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट। फिर से नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोचेट करने से नॉर्मल एक बना लेंगे। फिर अगेन फ्रंट पोस्ट के लिए साइड से जाएंगे यहाँ से निकाल के धागे को लेके फिर डबल क्रोचेट बना लेंगे। ऐसे ही एक फ्रंट पोस्ट और एक नॉर्मल हमें बनानी है। फ्रंट पोस्ट एक यही पैटर्न हमें बनाते जाना है पूरे राउंड में। अंत में मैं आपको बताती हूँ वो क्या करना है। ये दसवां राउंड बन गया फ्रंट पोस्ट और नॉर्मल डबल क्रोचेट करा। अब मुझे 1 2 3 तीसरा चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब नेक्स्ट राउंड 11 राउंड ट्रिमिंग राउंड है। ये ट्रिमिंग राउंड में हमें बस सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। सिंगल क्रोचेट के लिए एक चेन बनाएंगे उसके बाद हम एक एक करके सिंगल क्रोचेट इतने भी हमारे चेन स्पेस है सब में बना लेंगे। इतने एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हमें सिंगल क्रोचेट बनाते हुए जाना है पूरे राउंड। लास्ट वन और सिंगल क्रोचेट और हम के बाद फिर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। और ये मैंने धागा काट लिया, अगर हम धागा काट लेंगे और यहाँ पर इस
से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, इस लूप को अंदर से निकाल के, तब अगर आप फिर से टाइट कर लेंगे हमारा ये बिनी तैयार हो गया। अब हमें इसके ईयर बनाने हैं। ये दो ईयर मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इसका हम इस कैप के लिए पिंक कलर से बनाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ईयर कैसे बनाएंगे, ईयर बनाना बताती हूँ क्या कैसे है। इसका हम कान कैसे बनाएंगे, इसके लिए पहले सबसे पहले 11 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 चेन मैंने बना लिए हैं। अब एक सेकेंड चेन, दूसरे एक चेन को छोड़ के दूसरे चेन से हम एक स्लिप स्टिच, दूसरा स्लिप स्टिच और तीसरा, तीन टाइम हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 7 टाइम हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे और इंटर ले लेंगे, फिर से हमें 7 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं, फिर से हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद जो हमने 3, 1, 2 और 3 तीन स्लिप स्टिच बनाए थे, उसमें हमें क्या करनी है, जो हाफ डबल क्रोचेट नहीं बना के हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है। थोड़ा सा टफ लगेगा कि हमने स्लिप स्टिच बनाए थे, 1 के बाद ये दूसरा रहा, यहाँ पे हम 2 और ये सबसे ऊपर, यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख रहे हो, उसमें हम तीसरा सिंगल क्रोचेट बना लेंगे ईयर के लिए। एक ध्यान देना है, ये जो मैंने लास्ट का ये जो सिंगल क्रोचेट बनाया है देख रहे हो, उसमें एक ये इधर है एक इधर है, जो ये बाएं साइड में है उस सिंगल क्रोचेट के ऊपर में हम फिर से एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। इस लूप को देख लेके जो हुक की तरफ है उसने जो सामने वाला जो है उसमें लेके हम एक बार फिर से सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। अब हम एक इधर बनाए, इसके बाद इसको हमें राउंड लाना है इधर, जैसे हम बोटीज में लाते हैं। उसके बाद हमें फिर से 3, 1
दो और तीन, तीन सिंगल क्रोचेट बनाने हैं और सेवन हाफ डबल क्रोचेट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सबसे लास्ट में यहाँ पर नीचे में यहाँ पे बनाया था पहला चेन, वहाँ पे हम सेवन सेवन देख रहे हो। ईयर का सेप आना शुरू हो गया, कान की तरह थोड़ा सा बनना शुरू हो गया। फिर से हमें एक चेन लेनी है और अपने वर्क टर्न करना है। एक चेन बनाएंगे और सेवन हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये रहा सात। सात डबल क्रोचेट बनाने, हाफ डबल क्रोचेट बनाने के बाद फिर हम एक एक करके सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। एक, दो, तीन, और इस बार हम चार डबल सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। फिर पिछली बार तीन बनाया था, इस बार हम चार बनाएंगे। ये जो सबसे ऊपर टिप है, टिप में फिर हम एक सिंगल क्रोचेट बना लिया और उसी सिंगल क्रोचेट में फिर से एक और सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टिप वाला था उसमें फिर से हम चार सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। एक, दो, तीन, और ये रहा चार। इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और ये रहा सात। अब हमारा ये एयर का ये जो लिखाती हूँ जो यहाँ एयर है, इसके बीच का जो ये ब्लू पार्ट है वो पार्ट बन गया। अब इसके ऊपर से हमें वाइट कलर करना है। बीच का सेप तैयार हो गया। अब हम व्हाइट कलर का धागा जोड़ के अब व्हाइट कलर के उनसे बनाएंगे। एक चेन से जोड़ दिया। अब पूरे में हमें हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं। एक, पे थोड़ा सा ये टफ रहता है क्योंकि ये टाइट रहता है। अगर लूज करोगे तो अच्छा शेप नहीं आएगा।
और एक मैं हाफ डबल क्रोचेट बना रहे हैं। यहाँ मैं सिंगल क्रोचेट नहीं बनाना है कहीं भी, सब में हाफ डबल क्रोचेट बनाते हुए जाना है। और ये सबसे ऊपर वाला जो ये टिप है, यहाँ आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो है इस टिप में हमें दो हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं, एक और दो। उसके बाद फिर से दूसरी साइड से भी एक एक हम सब चारों तरफ से करके, ये आप देख रहे हो इसका सिप हो गया चारों तरफ से आके हम यहाँ गए। और इसको सबसे लास्ट वाला जो पहला हाफ डबल क्रोचेट था यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और यहाँ हम थोड़ा बड़ा सा धागा काट लेते हैं टेल, इससे हमें इसको सीने में मदद मिलेगी, वहाँ पे सो इन कर लेंगे, कैप के साथ अटैच कर लेंगे। निकाल के अटैच कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। एक मैंने पहले से बना के रखा था, अब वो दोनों को हम यहाँ पर सिल लेंगे। सिलने के बाद इसको हम सूत सुई धागे से सिल लेंगे। दिखाती हूँ कैसे सिलेंगे। सिल लिया, ये हमारा बनी का ईयर हैट तैयार हो गया है। इस पे बस हमें दो गूगली आईज डालने हैं, इसे हम ग्लू से चिपका लेंगे। देखिए ऐसा ही सेम मैंने ब्लू कलर में भी बनाया है। अगर आपको ये कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसी ब्लू रैबिट हैट के साथ ये दोनों बूटीज़ बनाए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। या मैंने इस ब्लू हैट के कैसेट बनाया है ब्लू कलर से, ये रैबिट बनाया है। और मैं आपको इसको इसका सेट बनाना बताऊँगी रेड पिंक कलर से। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए नमस्ते।